हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे लौकी के गट्टे। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। इसके लिए मैंने एक पतली सी लौकी ले ली है। अब मैं इसको साइड में से काट के इसको छिल लेंगे हम। फिर अब हम इसको लौकी को बिल्कुल बारीक बारीक किस लेंगे। ये आप नाश्ते में, डिनर में, लंच में किसी में भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। अब मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है और ये मसाले लिए हैं मैंने कुछ। लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, सौंफ, नमक और 3 से 4 चम्मच बेसन दिया है मैंने। अब इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और लौकी जो हमने किसके रखी थी वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और हम इसका आटा लगा लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मूंग के लिए थोड़ा सा तेल भी इसमें यूज करेंगे हम। तो तेल ले लिया हमने मूंग के लिए, अब हम आटा लगा लेंगे हमारा। हमने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, लौकी का जो पानी था उसी से हमारा आटा लग चुका है। अब हम कुकर में पानी बॉईल कर लेंगे। 2 ग्लास लगभग पानी बॉईल करेंगे, बाकी हमें पानी इतना बॉईल करना है कि हमारे गट्टे अच्छे से पानी में डिप हो जाए। अब हाथों में तेल लगा लिया है मैंने, इससे अब हम गोल गोल गट्टे बना लेंगे लंबे लंबे से। ऐसे करके हम पूरे आटे के बना लेंगे। तो तैयार है हमारे गट्टे। अब हम इनको बॉईल करेंगे। तो पानी बॉईल आने के बाद गट्टे हम इसमें डाल देंगे। पूरे गट्टे पानी में डूबने चाहिए, इतना पानी हमें लेना है। अगर आपको कम लगे तो बाद में और ऐड कर लो। अब हम इसको ढक देंगे कुकर के ढक्कन से बिना सीटी के और थोड़ा सा खुला रहने देंगे और लगभग 20 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल कर लिया है मैंने और इनको थोड़ी देर ठंडा भी कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसे काट लेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम इसके। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है, उसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे हम। जीरा जैसे ब्राउन होगा तो आप देख सकते हैं जीरा थोड़ा बहुत ब्राउन हो चुका है हमारा, पक चुका है जीरा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी हरी मिर्च। थोड़ी देर हरी मिर्च को पकाएंगे हम। हरी मिर्च पक गई है तो हम इसमें अपने गट्टे ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम गट्टों को ऑयल के अंदर और गैस बंद कर लेंगे। तो तैयार है हमारे गट्टे, ऊपर से हमने धनिया ऐड कर लेंगे हम। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।